दीपिका पादुकोण आज भारतीय सिनेमा का वो नाम है जिनके चाहने वालों की लिस्ट काफी लंबी है। जी हाँ, दीपिका आज उस मुकाम पर है जहाँ पहुँचने का सपना हर न्यू कमर देखता है। शाहरुख खान के साथ अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली दीपिका ने ओम शांति ओम में अपने अभिनय का जलवा तो बिखेरा ही था, पर आप इस बात से अनजान होंगे कि अगर फराह खान की बात दीपिका ने ना मानी होती तो उनकी पहली फिल्म ओम शांति ओम नहीं बल्कि हिमेश रेशमिया के साथ होती। बता दें, ओम शांति ओम से पहले दीपिका ने हिमेश के साथ एक वीडियो सॉन्ग भी किया था जिस गाने का नाम था नाम तेरा तेरा। इस वीडियो सॉन्ग को देखकर ही फराह खान ने दीपिका के साथ काम करने का मन बना लिया था। उसके बाद दीपिका हिमेश के साथ फिल्म में काम करने वाली थी, लेकिन फराह की बात मानकर दीपिका को भी इंतजार करना सही लगा। आइए बताते हैं फराह खान ने क्या कहा था। मैंने दीपिका से कहा कि अगर तुम स्क्रीन टेस्ट में पास हो गई तो मैं तुम्हें शाहरुख के साथ रोल दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें सेकंड लीड दूंगी। बस फिर क्या था, दीपिका इस बात के लिए राजी हो गई। उस समय बड़े सितारों के साथ काम करने वाली दीपिका आज खुद एक बहुत बड़ी स्टार है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।